अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम असलान शुरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5। तो आज अडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 23 है व्यूअर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। तो अगर आप अपनी टूल बार में 10वें नंबर पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लास्ट हमारा लेक्चर था पैटर्न स्टैम्प टूल। तो इसके नीचे वाला टूल अगर मैं ओपन करता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने के लिए आपने राइट क्लिक करना है माउस का, और इसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश टूल, और इसके अलावा एक और है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। इन दोनों की शॉर्ट की वाई है, जो आपने करंट सेलेक्ट किया होगा वाई को क्लिक करने से वही आपके पास आ जाएगा। तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, हिस्ट्री ब्रश टूल का सबसे पहले मैं आपको इस्तेमाल बता दूंगा, इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है, ब्रश टूल से तो आपने पहले काम कर लिया हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि ब्रश टूल क्या होता है, क्या काम करता है। तो इसके साथ हिस्ट्री व्यूअर्स इसलिए जोड़ा गया है कि ब्रश टूल के साथ आप जो भी काम करेंगे, ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री में आप इसकी मदद से जा सकते हैं। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके करने के लिए सबसे पहले मैं क्लोन स्टैम्प टूल को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्लोन स्टैम्प टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से हम लोग किसी भी पिक्चर को कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं बिल्कुल ईजीली तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख कर इसे, यानी कि थोड़ा सा ये करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, पिक्चर यानी कि उस तरफ है, लेकिन इसकी ब्लरनेस ओपेसिटी मैंने खुद कम की हुई है, ठीक है। तो ये इसकी ओपेसिटी के ऊपर यानी कि ये एक्ट कर रहा है, उसकी ओपेसिटी के मुताबिक जितनी मैंने रखी हुई है उतनी मुझे ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके दे रहा है। जितनी भी मैं करूँगा, ठीक है, ये उतनी यहाँ पर मुझे कर देगा, और इससे मेरे लोगों के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने उसकी ओपेसिटी ही इतनी कम रखी हुई है, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी की एडजस्टमेंट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 45 इसकी ओपेसिटी की हुई है, ठीक है। फ्लो मैंने 100% किया, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से काम करता है। तो मैंने यहाँ पर रख के आर्ट के साथ क्लिक किया, और यहाँ से लेके तकरीबन जहाँ तक मेरी ये इमेज ख़त्म होती थी, इसने यहाँ तक मुझे पिक बनाकर दे दी, ठीक है। इसके मुतबादिल अगर मैं इसको डार्क और ज़्यादा करना चाहता तो इसकी ओपेसिटी बढ़ाकर कर सकता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये सीखते हैं कि हिस्ट्री ब्रश टूल का यहाँ पर क्या काम होगा। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का व्यूअर यही काम होगा कि मैंने ये देखें, ये ब्रश टूल की मदद से बनाया है, ठीक है, यानी कि क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से ये काम किया है, ठीक है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से क्या है कि मैं इस काम को इरेज कर सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये इसकी मदद से ये क्या हो रहा है, ये सारे का सारा जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी बनाया था, जो तस्वीर मैंने अभी कॉपी पेस्ट की थी, ये इसने सिर्फ वो जो मैंने अभी किया है, ठीक है, मेरी पुरानी पिक को ये बिल्कुल भी इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। जबकि मैंने एक ही लेयर के ऊपर सारा काम किया है, ठीक है, अलग अलग लेयर भी नहीं बनाई, उसके बावजूद ये वही चीज़ को मिटा रहा है जो कि मैंने हिस्ट्री में काम किया था, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं, और उसके बाद यहाँ पर व्यूवर्स अगर आप आएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये देखिए हिस्ट्री, अगर इसके आप मेन्यू में देखें तो यहाँ पर थोड़ी देर के अपना माउस रखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे शो कार्ड है हिस्ट्री। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये मुझे कह रहा है जी, यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हैं जो हिस्ट्री टूल करता है वन बाय वन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा बार इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये सारा, यानी कि यहाँ से भी आप उसी चीज़ को एक्ट कर सकते हैं जो आप यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से कर रहे थे। तो बेसिकली बस हिस्ट्री ब्रश टूल का यही काम है कि जो आपने प्रीवियस काम किया होगा ये उसको क्या करेगा, इरेज कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो व्यूअर्स, ये था हिस्ट्री ब्रश टूल का काम, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा हमने क्लोन स्टैम्प टूल को भी दोबारा दोहरा लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है, क्योंकि इस टूल के बारे में और कुछ भी मज़ीद बोलना, यानी कि सिर्फ लेक्चर को लंबा करना होगा, इससे ज़्यादा इसका कोई काम ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं लंबा लेक्चर क्यों करूँ, ठीक है। तो इससे आपको भी आसानी होगी अपलोडिंग वगैरह डाउनलोडिंग वगैरह में, ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहेंगे तो उसमें भी। तो उसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे, हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। अगर आप अडोब फोटोशॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ PS के लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा अडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा। और अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं, कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है अडोब फोटोशॉप के हवाले से, ये आपको मस्त देख लेनी चाहिए। इसको देखने से आपके अडोब फोटोशॉप के बहुत सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा नोट दिया गया, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप अडोब फोटोशॉप का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, और आपको CS5 भी यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे उस लेक्चर के ऊपर, तो नेक्स्ट ऐप में वो लेक्चर बाय वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाए करें, तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे, उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर आपको छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी जिसे आपने अप्रूव कर देना, उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। और व्यूअर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने इसे जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। इसे क्लिक करते ही आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, ठीक है, कोर्सेज और कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन और सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो व्यूअर्स, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।